ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि यूथ के लिए है। आशिकी करने से पहले जानिए कुछ लीगल टिप्स। अब मैं यहाँ पे आपको आशिकी करने के टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ पे लीगल टिप्स दूंगा, यानी कि आप आशिकी करो लेकिन इन बातों का ध्यान रखो ताकि आपको आशिकी करते वक्त दिक्कत ना हो, यानी कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े, रेप केस ना करवाना पड़े या करना पड़े। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रो। ओके, सो टिप नंबर फर्स्ट, ऑलवेज बी अवेयर अबाउट द एज ऑफ गर्ल। ओके, तो पहली बात, 18 साल से अगर कोई लड़की नीचे है और आपको उसको जो भी आपको करना है तो आप बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि जो 18 साल से जो नीचे होती है ना वो लड़की, वो माइनर होती है, कानून की नज़रों में वो माइनर है। ओके, भले ही आपने उसकी सहमति से उसके साथ रिलेशन बनाया हो, उसने बोल दिया हो कि भाई चल कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बनाए हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, ओके, और कल को उसके घर वालों को पता चलता है, वो केस करते हैं आपके ऊपर, यानी कि बॉयज़ के ऊपर, तो आपके ऊपर केस होगा, लड़की की गवाही नहीं चलेगी। ओके, क्यों? क्योंकि कोर्ट एज्यूम करता है कि वो बच्ची थी, 18 साल से नीचे बच्ची है, ओके, उसको बहलाया फुसलाया होगा। तो पहली बात तो ये कि हमेशा एज का ध्यान रखो, 18 साल से नीचे की लड़की को तो कभी आप कुछ भी ना करो। ओके, उससे तो बस पैर छुओ और निकल जाओ, ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट टिप आती है कि कभी भी किसी भी, मतलब दोनों के लिए आई है, ओके, स्पेशली बॉयज़ के लिए, क्योंकि बॉयज़ को ही सफ़र करना पड़ता है। ओके, कल को रेप केस होगा, आपका ही नाम आएगा, नाम आएगा, ठीक है, हालांकि लड़की ने खुद ने अपने मर्जी से रिलेशनशिप बनाए हो, फिजिकल रिलेशन बनाए हो, उसको कोई नहीं बोलेगा। ओके, कभी आपने सुना है कि लड़की ने कहा था भाई मेरे को तो रिलेशन बनवाने के लिए तब बनाए थे मैंने, हुआ होगा भी नहीं ऐसा। ओके, क्योंकि ना जो सारा बर्डन है ना वो बॉयज़ पे है। ओके, उसको एज्यूम दिखा देते भाई इसने ही किया होगा। ओके, क्योंकि पुरुष प्रधान सोसाइटी है ना हमारी, पुरुष प्रधान समाज हमारा। ओके, तो लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो प्रायोरिटी रेप केस में भी आपको दी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है कि आप कभी भी किसी लड़की के नाम का अपने हाथ पे टैटू या नाम वगैरह कुछ ना बनवाएं। ओके, स्पेशली नाम तो बिल्कुल ना दिखवाएं। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ आशिकी के टाइम की, अगर आपने प्लान है कि शादी हो जाएगी उसके बाद आप कुछ भी करो, देखो उसके बाद कोई मैटर नहीं करता। ओके, यानी कि शादी से पहले आपने ये टिप्स फॉलो जरूर करने हैं ड्यूरिंग आशिकी, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे वकील हैं, अगर आपने नाम लिखाया हुआ है ना उस लड़की का और कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो प्रूफ कर देंगे कि भाई उसके साथ आपका रिलेशन था और आपने रेप किया है। ओके, ऐसे ऐसे वकील पड़े हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। ओके, बिल्कुल आप चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट टिप है, आपने देखा होगा आशिकी में क्या करते हैं कुछ लोग, यानी कि लव में क्या करते हैं कुछ लोग, अपना सोशल मीडिया का पासवर्ड दे देते हैं कि ले भाई ट्रस्ट है तेरे को दे दिया सोशल मीडिया का पासवर्ड, तो कभी भी ये गलती ना करें। ओके, क्योंकि हर फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होता है, अगर आपका जो पासवर्ड है यानी जो आपकी पर्सनल चीज़ है वो लीक हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हालांकि हमारे देश में साइबर सेल है वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, वो बात की बातें हैं। देखो इंडिया में इतना वो नहीं है कि आपने कंप्लेन करी और आपकी कार्रवाई होगी, वो एक साल तो आपको कंप्लेन लिखवाने में लग जाएगा, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप प्री लीगल टिप्स में बिलीव करें, कभी भी आप अपना पासवर्ड ना दें, सोशल मीडिया का पासवर्ड ना दें किसी को, ठीक है, बिल्कुल भी ना दें, ट्रस्ट अपनी जगह है यार, देखो ट्रस्ट अपनी जगह है और सोशल मीडिया अपनी जगह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टिप आता है कि कभी भी आप अपने नंबर, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं अपने नाम से सिम दे देंगे अपनी लवर्स को, अपने पार्टनर को, ओके, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, तो ये गलती आप ना करें। ओके, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है, सपोज़ आपने अपने पार्टनर को दे रखा है, ओके, अब वो उससे किसी को धमकी दे दे, गाली गलौज दे दे, कुछ भी हो जाए, ओके, या फिर किसी के साथ कुछ क्राइम हो जाए, फंसोगे कौन आप। ओके, तो देखो आशिकी अपनी जगह है और जो पर्सनल चीज़ें हैं, नंबर देना, अपने नाम से नंबर देना, अपने नाम की सिम देना, वो अलग चीज़ है, ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। पता है ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन वाइल मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप्स, जब कभी भी आप शारीरिक संबंध बनाते हो तो प्रोटेक्शन यूज़ करें। ओके, इस चीज़ को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। नेक्स्ट टिप आता है कि कभी भी आप फिजिकल रिलेशनशिप के ड्यूरिंग, ओके, अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में उनसे मैरिज कर लेंगे, देखो लड़का लड़की दोनों के लिए, ठीक है, अगर आपको लगता है दोनों
फ्यूचर में मैरिज कर लेंगे तब तो आप प्रॉमिस करो, अदरवाइज आप प्रॉमिस ना करो। ओके, आपने देखा होगा लड़के कर लेते हैं प्रॉमिस, लड़के लड़कियों को प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम शादी करेंगे फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेंगे। ओके, तो देखो कहीं ना कहीं दोनों की गलती है। लड़की को भी सोचना चाहिए कि शादी होने के बाद ही मैं रिलेशन बनाने दूंगी। ओके, अब आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है।